28 मई को नए संसद भवन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी हो रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पंगा, विपक्ष लगा रहा अड़ंगा। राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। मोदी और शाह की तैयारी, 2024 की तस्वीर दिखेगी। उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे। राष्ट्रपति का संवैधानिक परंपराओं का जो अपमान हुआ है वो सबके सामने है। आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ। विपक्षी एकता का परीक्षण, सरकार का क्या है समीकरण? राष्ट्रपति को क्यों नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनकी पूरी जिंदगी इस पार्लियामेंट में गई है, वो आडवाणी जी कहाँ गए? मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे। तो 28 मई को नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, मगर विपक्ष इस उद्घाटन के मौके पर अपना ही राग अलाप रहा है। विपक्ष की मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। विपक्ष के मुताबिक पीएम का उद्घाटन करना असंवैधानिक है। इसी आधार पर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुनवाई से ही इनकार कर दिया। इस सुप्रीम आदेश के बाद सवाल उठाने वाले विरोधी गैंग के आरोपों के बक्से पर सुप्रीम ताला लग गया। बता दें आपको, नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई। शुक्र मनाइए, आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। ऐसी बेतुकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से भी बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, ये अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से कहा गया है। ऐसी बेतुकी याचिका को खारिज करने का फैसला सही है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल भी बोले, उनकी तरफ से कहा गया, हमें लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करना चाहिए, परिवार बढ़ने से कोई काम नहीं रुकता, ये एसपी बघेल की तरफ से कहा गया। तो देखिए, एक एक कर केंद्रीय मंत्री इस पर क्या कह रही है हम आपको बता रहे हैं। पहले हमने आपको बताया अर्जुन राम मेघवाल का वो ट्वीट आपको दिखाया, जिस पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका पर फटकार लगाई गई। उसके बाद एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं, सुनवाते आप। इसी विषय को लेकर के कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये अदालत का विषय नहीं है और इस पर ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, और उन पर जुर्माना नहीं लगा करके उन्होंने कहा है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, ये क्या कम है। क्या राष्ट्रपति को नोटिसन दिया गया है? मैंने कहा ना कि ये बात नहीं है, हमें स्वागत करना चाहिए कि पार्लियामेंट के डेमोक्रेसी के मंदिर का माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम 28 महीने में कर रहे हैं, और देशकाल परिस्थितियों के अनुसार जो है संशोधन होते हैं, भवनों के रंग रूप और स्वरूप में परिवर्तन होता है। मैं अपने ग्रैंडफादर के मकान के बाद मेरे पिताजी का बना, पिताजी के बाद हम लोग बना रहे हैं, तो जब परिवार बढ़ता है तो उपयोगिता के अनुसार उसकी उपभोक्ता के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता है।